कोरोना वायरस को लेकर हुए लॉकडाउन में हिंदू जागरण मंच के द्वारा विभिन्न गांवों में गरीब असहाय लोगों के बीच भोजन पहुंचाने का कार्य जारी है। इसी के तहत फुलाड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अन्न बैंक के द्वारा जहां गरीबों के बीच अनाज का वितरण किया गया, वहीं कोरोना योद्धा पत्रकारों को भी हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं द्वारा सम्मानित किया गया। वहीं हिंदू जागरण मंच के अन्न बैंक एवं भोजन बैंक के द्वारा क्षेत्र के विकलांग, विधवा और गरीब असहाय 100 लोगों के बीच अनाज का वितरण किया गया। इसके अलावा बैद्यनाथ राय अधिवक्ता के यहाँ बन रहे भोजन बैंक के भोजन को कार्यकर्ताओं ने महुआ प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गांवों में घूम घूम कर गरीब असहाय लोगों के बीच भोजन का वितरण किया। इस दौरान मुन्ना चौधरी, भागवत राय, डॉक्टर महेश राय, प्रोफेसर अरुण, अजीत सिंह, विशेश्वर महतो, जितेंद्र झा, नंदन कानू, सत्येंद्र राय, महेश राय आदि उपस्थित थे। आज हम सब फुलाड़ के इस काली स्थान पर अन्न बैंक के द्वारा 2500 केजी अनाज का वितरण यहां कर रहे हैं। यह कार्यक्रम लॉकडाउन के कल से शुरू हुआ है। आज तक हम लोगों ने 550 क्विंटल कच्चा अनाज का वितरण किया और लगभग 360,000 भोजन पैकेट वैशाली जिले के अंदर अन्न बैंक के द्वारा वितरण किया गया है। ये सारा समाज के सहयोग से हो रहा है, साथ ही रक्तदान जीवन दान जैसा एक मंत्र को सार्थक करते हुए हाजीपुर सदर अस्पताल में 17 यूनिट ब्लड दिया गया और आने वाले 6-7 तारीख को रविवार को जून में 25 लोगों का रक्तदान महुआ गांधी चौक पर अस्पताल में किया जाएगा। इस तरह से कोरोना के अंदर जो हमारी योद्धा हैं उसमें खास कर करके डॉक्टर, सफाई कर्मी, मीडिया कर्मी, पुलिस और आज का मजदूर और ड्राइवर, इनके सम्मान और सहयोग के लिए ये आज का कार्यक्रम किया गया है। इस माध्यम से हम लोग समाज के अंदर चेतना जगा रहे हैं कि कोरोना के इस विपदा में हर घर से कुछ न कुछ सहयोग देकर हम दूसरे के सहयोगी बने। बहुत बहुत धन्यवाद।